आज जिस शख्स को हमने इनवाइट किया है वो बहुत ही खूबसूरत अफसरा हैं जिन्होंने लोगों का दिल मोम का दिया बना दिया है। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत नीलम मुनीर। हेलो नीलम, हाउ आर यू? आई एम गुड सारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ऑलराइट गाइस, शो स्टार्ट करते हैं नीलम से पहला सवाल करके। नीलम, सबसे पहले तो आप अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि स्वाद की खूबसूरती कराची में कैसे आ गई? वाह, इतना खूबसूरत लगा मुझे भी सुन के। हाँ, क्योंकि मेरे अम्मी अबू यहाँ पे थे सारा। हाँ। तो ननियाल मेरा अभी भी स्वात में ही है, तो हम लोग का चक्कर लगता रहता है। ओके, नाइस। इसीलिए मैं यहीं पे पाई हूँ अभी तक। तो नीलम, आप ये बताएं कि इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? इत्तेफाक नहीं था, वैसे मुझे बड़ा शौक था। हाँ। और मुझे काफी लोग कहते हैं, जैसे मैं मॉल में गई हूँ, जैसे हाँ। मुझे मेहरा अहमद मिल गई। हाँ। दुबई मॉल में, और उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे ड्रामे में काम कर लें, और मेरी मम्मी भी साथ थी, और इस तरीके से मुझे काफी सारे लोग बोलते थे, ऑफर्स आती रहती थी। हाँ। तो मुझे शौक भी था, तो मैंने कहा क्यों नहीं, और फिर घर वालों ने जब इजाजत दे दी तो इस तरीके से मैं इंडस्ट्री में आ गई। अच्छा, ओके, सो इजाजत लेके एंड देन यू क्या। ऑलराइट गाइस, ठीक है, तो इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट विद नीलम मुनीर। नीलम, आप तैयार हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट के लिए? ओके। तो नीलम, आपसे पहला ये सवाल है कि आप इतनी प्यारी हैं तो आपको लोगों के प्रपोजल्स तो आते ही होंगे, तो आप वो कैसे हैंडल करती हैं? मैं कैसे हैंडल करती? मैं मुस्कुरा देती हूं। मुझे पता, शर्म आ जाती है। मुझे वाकई शर्म आ जाती है। नहीं, तो अगर कोई प्रपोज करे तो आप मुस्कुरा देती हैं, या मतलब वो जवाब होता है? या वैसे इतनी हिम्मत तो अभी तक किसी में आई नहीं। मैं खुद चाहती हूँ कोई हिम्मत करके आगे आए कि शादी तो वो, हाँ, वो छुप छुपा के नहीं होते, मैसेजेस कर देना। हाँ। दोस्त को बोल देना। हाँ। अम्मा को आगे कर देना इस। हाँ। तरह से तो कभी कोई इतना डायरेक्ट मेरे पास आया नहीं आज तक। अच्छा, किसी की हिम्मत हुई नहीं अभी डायरेक्ट आने? हाँ, फिलहाल। बट आप हैंडल कर लेती? हाँ, यकीनन मैं कर सकती हूँ, कर लेती हूँ। ओके। और नीलम, तो आप मुझे ये बताएं, जो आपकी एक वो डांस वाली वीडियो वायरल हुई थी गाड़ी में, यू नो, नॉट गोना लाइक, गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं भी उस पे एक्चुअली डांस करती हूँ, मतलब मैं वो सुनती हूँ अपने कमरे में लेट के, यू नो, चिल करते हुए whatever। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या कमेंट्स और जो यू नो बैकलैश सोशल मीडिया और लोगों की जो बकवास होती है उससे आपको तकलीफ हुई, आपने किस तरह हैंडल किया उस चीज़ को? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, और मैं समझती हूँ लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि तकलीफ मेरे तक पहुँची नहीं। अच्छा, मतलब मुझे किस बात से तकलीफ होनी थी? मुझे बहुत लोग मिले जिनका कि वाह वाह वाह, यू नो, और काफ़ी लोगों ने कहा कि यू नो, मुझे वो भी बात बहुत अच्छी लगी जब लोगों ने ये भी लिखा कि अल्लाह ताला हिदायत दे, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि मेरा ख्याल ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप किसी के लिए यू नो ये दुआ कर सकते हैं। कर सकते हैं। और प्यार ही प्यार मिला है मुझे, कोई ऐसा कहीं पे आज तक कोई नहीं मिला कि जिसने मुझे बोला कि यू नो वो क्या था। लोगों ने उसको फनी लिया, तफरी थी। हाँ, उसको एंजॉय किया। अच्छा नीलम, तो आपका अगला ही सवाल है कि क्या कभी नीलम को मोहब्बत हुई? हाय, मोहब्बत ना हो तो वो इंसान ही क्या है, मोहब्बत तो जरूरी है। पर आज तक कोई ऐसा शख्स जिससे आपको दिल से मोहब्बत हुई हो? एंड नहीं, वो जो नहीं होता एक प्यार है, सबकी जिंदगी में एक प्यार होता है। होना चाहिए, आई थिंक वो आएगा। अभी आया नहीं? अभी आएगा। अच्छा, अभी आ रहा है? हाँ, आ जाएगा, आएगा घोड़े पे बैठ के। अच्छा नीलम, तो आप ये बताएं कि इन अ जनरल वे सेलिब्रिटीज को किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? जब आप सेलिब्रिटी बन जाएं तो इसका मतलब है अल्लाह ने आपको वो चीज दे दी है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए काम करें, उनकी मदद करें और अच्छे काम करें। अच्छा नीलम, आप हमें ये बताएं कि आप अपने आप को मेंटेन, ऐसे मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं? मैं तो कम खाने की कोशिश करती हूँ। कम खाने से मुराद ये है कि मैं मतलब रात को जो है ना जल्दी खाना खत्म कर देती हूँ, लाइक सोने से 4-5 घंटे पहले। पहले? हाँ। तो ये मेंटेनेंस की आपकी? हाँ, ये मुझे एक आदत है, क्योंकि फिर जाहिर है मैं उठती ही कोई 8-10 घंटे बाद हूँ, या चलो 5 घंटे बाद, तो मुझे अच्छा खासा ब्रेक मिल जाता है। अच्छा, तो ये तो बेसिकली आप अपने तो खाना मतलब you see what you eat basically, because वो कहते हैं ना कि you are what you eat, exactly, और ये हकीकत है, वो आपके ऊपर आ जाता है, आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, वेट में, वो आ जाता है, वो सब आ जाता है। Yes, you're right, बिल्कुल। All right guys, अब हम चलते हैं अपने next segment पे जिसका नाम है reverse or forward। नीलम, आपका पहला ये सवाल है कि पहली वाली नीलम में और आज वाली नीलम में क्या फर्क है? बहुत सारे डिफरेंस है, तो ऑडियंस भी देख के बोलेगी देखो चेंज हो गया, इसने नाक का कुछ करा लिया।
वो तो पूरे मीम्स बन जाते हैं, नाक कटवा दी, मुंह कटवा दिया, लिप्स बढ़वा दिए, ये हो गया। खैर चलो ये तो मजाक था, लेकिन विद टाइम इंसान के वाकई जो है ना फीचर्स चेंज होते रहते हैं। मेकअप से भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा तब्दील कर लेते हैं। मैं इतना ज्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, बट सीरियस अगर सीरियसली बताऊं तो मैं अब सोचती हूँ, पहले मैं सोचती हूँ, अब मैं मतलब कुछ भी करने से पहले सोचूंगी अच्छा उसके बाद क्या होगा। पहले मैं नहीं सोचती, मैं कहती थी देखी जाएगी, देखी जाएगी। यस, तो क्या फर्क है, मेजर ऐसा क्या डिफरेंस है पुरानी और नई नीलम? मुझे तो सबसे बड़ा फर्क यही लगता है, सही बता रही हूँ, ये सबसे बड़ा फर्क है, सबसे ज्यादा फर्क यही है, सबसे ज्यादा। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आने के इरादे हैं? Are you planning? Yes, ये जो yes, ये yes. जो Netflix और Prime और Z5 और ये जो सब है, इसपे plans हैं आने के? बिल्कुल हैं। And do you think कि इन platforms में हमारा future है? देखें अभी तो अगर honestly अगर सही बताऊँ तो OTT platforms तो अभी तो आए नहीं है ना proper तरीके से पाकिस्तान में। मेरे ख्याल है इसको भी कम से कम 5 साल लगेंगे जब तक आपके पास Netflix, Amazon proper तरीके से नहीं आ जाएगा। बिल्कुल। तब तक तो हम कर सकते हैं यू नो टीवी ड्रामा खुशी खुशी, और जब आ जाएगा फिर देखेंगे, बट यस मैं करूंगी, क्यों नहीं। तो आपका शौक है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने का? है, बिल्कुल है, फुल इरादा है। अच्छा नीलम, आपकी आंखों में हमारी ड्रामे या हमारी फिल्में? दोनों, दोनों की ऑडियंस डिफरेंट है। जब आपका ड्रामा देखने का मूड होता है आप ड्रामा देख लें, फिल्म देखने का मूड होता है सिनेमा चले जाएं, मेरे लिए तो दोनों है। अच्छा अच्छा, मेरे अगर मुझसे ये पूछे तो आई थिंक ड्रामे, ड्रामे जो है ना वो आई थिंक बहुत बहुत दुनिया में देखे जाते हैं। yes, अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग पागल हैं उसके, लोग बहुत पसंद करते हैं। एग्जैक्टली, सो आई फील लाइक हमारे ड्रामे अच्छा, बट यू थिंक दोनों? हाँ मुझे लगता है दोनों, क्यों नहीं। फिल्म्स भी हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी फिल्म्स को प्रमोट करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट यस और नो विद नीलम बोली। गेम शुरू करें? करें। वाह, क्या आपका नाम सबा है? मेरा नाम नीलम है। आपको सबा नहीं जानती? जानती होगी। क्या कभी इजी लोड नहीं करवाया? इजी लोड क्या होता है? डांस आता है? कोशिश कर सकते हैं। सिंगिंग तो अच्छी नहीं लगती होगी? आतिफ असलम बहुत पसंद है। ग्लासेस हैं? कभी इस्तेमाल नहीं किए। नहीं किए? नहीं 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 हो सकता। ओ हाँ, ओ हाँ भी हो गया अब तो। तो जल्दी से वापस स्टार्ट करते हैं। ग्लासेस हैं? रोबर्टो कवाली। ओई, कभी दिल टूटा है? ये जो दो वर्ड्स निकाल दिए ना इस सेगमेंट में गाइस, ये बड़े खतरनाक है क्योंकि हमें बहुत आदत होती है इस्तेमाल करने की। तो बताएं, कभी दिल टूटा है? दिल तो बच्चा है। गुस्सा आता है? हंसती रहती है। ऐसी क्या चीज है जो अच्छी नहीं लगती? हर चीज अच्छी लगती है मुझे तो, हर चीज अच्छी लगती है। अच्छा, और सुना है कि आपको मीठा खाना बहुत पसंद है? जलेबी और दूध और गाजर का हलवा। Yeah! Alright guys, Neelam was really good at this game. इन्होंने बहुत मस्ती की तरह खेला मेरी तरह। And Neelam आपको मजा आया? थोड़ा मुश्किल है ना कि हाँ नहीं बोलो, जी नहीं बोलो, यस नहीं बोलो, और नो नहीं बोलो। ये सेगमेंट के सवाल ऐसे थे कि जिसमें आने ही आना था। आना ही आना, और यही तो पता नहीं हम बोलते रहते हैं इस तरीके से। नहीं, हम तो बोलते रहते हैं, बट ये इस गेम का पूरा मकसद ही है कि बंदे को कंफ्यूज कर। हाँ, कर दिया ना बंदे को। क्या बोल, you know? हाँ, सही का कंफ्यूज किया। ऑलराइट गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जो है रैपिड फायर राउंड। आपकी पहली चॉइसेस हैं हु इज अ बेटर परफॉर्मर, आपने रैंक करना है। हम स्टार्ट करेंगे मेल के साथ, ठीक है? फवाद खान, फहद मुस्तफा, समी खान, हुमायूं सईद, एहसन खान। वाह, सारे ही बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, इनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? जो दिल कह रहा है वो कह। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं मतलब इन जो एक्टर्स हैं पांच, क्या मैं इनके कोई ऐसे काम बता सकती हूँ जो कि मुझे जिसमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी? अच्छा ठीक है, ये करने। हाँ ठीक है, ये कर सकते, कर सकते। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो दैट्स इजी। यू कैन डू दैट। पहले कौन है? फवाद खान। फवाद खान, या हमसफर। एंड मेरे साथ एक ड्रामा किया था अश्क, उसमें रोहेल का कैरेक्टर था जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। यस ओके। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा की एक्टिंग मुझे जिस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पसंद आई थी तो वो प्रोजेक्ट था मैं अब्दुल कादिर। समी खान, काफी साल हो गए वैसे उसे। रॉन्ग नंबर टू। रॉन्ग नंबर टू, रॉन्ग नंबर टू, ऑब्वियसली। यस यस। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, मेरे पास तुम हो एंड पंजाब नहीं जाऊं। पंजाब नहीं जाऊं, बिल्कुल। एहसन खान।
उडारी मेरे दिल में बैठ गया वो कैरेक्टर, मुझे बहुत पसंद है। उफ, डेफिनेटली है ना। चलो अब चलते हैं फीमेल्स की तरफ, ठीक है। फीमेल्स में मैं आपको दूंगी माहिरा खान, सबा कमर, सज्जल अली, आयजा खान एंड मैं विशाया। माहिरा तो जब विजय थी ना तब से मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। और हम सफर, अच्छा सबा कमर जो अभी उन्होंने ड्रामा किया था, बागी बागी नाम था ना जो कंदील के ऊपर था ना, बागी 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 चीख, ये इतने जो आए सारे, लेकिन जो सभी बहुत अच्छे हैं जो मैंने देखा, मुझे बागी कंदील बलोच आई डोंट थिंक कोई और ऐसे कर सकता था जिस तरह सबा ने। सबा सबा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, नो डाउट। चीख भी बहुत अच्छा था। अच्छा मैं विशाया पंजाब नहीं जाऊंगी डेफिनेटली। आयजा खान मेरे पास तुम हो और सज्जल अली नन्नी। ठीक है तो नीलम ने रैंक तो नहीं किया पर बहुत स्वीट तरीके से उनके कामों के बारे में बता दिया कि उनको क्या पसंद। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है ना। फिल्म या ड्रामा? शूटिंग वाइज फिल्म। छुपन छुपाई या रॉन्ग नंबर टू? बोथ। यू हैव टू चूज वन, रैपिड फायर। छुपन छुपाई। छुपन रियली नॉट रॉन्ग नंबर टू? नहीं ऑफ कोर्स रॉन्ग नंबर टू भी है और उसने ज्यादा बिजनेस किया है, लेकिन छुपन छुपाई जो कि मेरी पहली फिल्म थी तो वो करीब दिल से। यस यस ठीक है। वन ऑफ योर फेवरेट मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स जो आपने प्ले किया? हाँ शाइस्ता, जलपरी ड्रामा था उसमें कैरेक्टर था शाइस्ता। अगर आप एक्टर ना होती तो क्या होती? अच्छा सवाल है वैसे। मैं शायद डॉक्टर होती या मैं लॉयर होती। लॉयर आई थिंक आई सी यू कि आप लॉयर होते। अड्डे होने कोर्ट में जाके सही सही पहुंची हो, बिल्कुल सही। यू आर राइट, आई थिंक क्रिमिनल लॉयर। हां क्रिमिनल लॉयर। ओह वाओ, आपको पता है मुझे शौक भी था, मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में कहा हुआ भी है क्रिमिनल लॉयर। मैं लॉ पढ़ना चाह रही। चलो तो जब एक्टिंग से जब दिल भर जाए फिर आई थिंक मैं अपने केसेस लेके आपके पास आऊंगी। मैं तो अब बहुत खुश हूं, अपने दूसरे सेगमेंट पे जिसका नाम है टंग ट्विस्टर। ऑलराइट नीलम, अब आपकी पहली लाइन है बंदर खाए चुकंदर, प्लेट के अंदर बड़ा चुकंदर। ओके ओके, पांच दफा बोले तेज तेज। बंदर खाए चुकंदर, प्लेट के अंदर बड़ा चुकंदर। यस यस नीलम। ओके ओके, 1 2 3 गो। बंदर खाए चुकंदर, प्लेट के अंदर बड़ा चुकंदर। 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 एकदम और। बंदर खाए चुकंदर, प्लेट के अंदर बड़ा चुकंदर। यस सही बोला, वेरी गुड। ओह वाओ, इन्होंने तो एक भी मिस्टेक नहीं की है भाई। आई थिंक मैं ये जाने दूंगी, मुझसे नहीं होगा। अच्छा आपका दूसरा वाला है अंडे मंडे संडे डंडे, अंडे संडे मंडे डंडे। वो सिर्फ डंडे ही डंडे समझ आ रहे हैं। अच्छा अंडे मंडे संडे डंडे डंडे, अंडे संडे मंडे डंडे। तफरी करनी है ना। हाँ देखो, अंडे अंडे मंडे संडे डंडे, डंडे मंडे अंडे संडे डंडे, अंडे संडे मंडे। अच्छा एक आखिरी करते हैं, ठीक है। ही थ्रू थ्री फ्री थ्रोज, ही थ्रू थ्री फ्री थ्रोज, ही थ्रू थ्री फ्री थ्रोज, ठीक है। ही थ्रू थ्री फ्री थ्रोज, he threw three free throws. Very good, come on, we will start, 1 2 3 go. Main fumble mein pehle ping kar gayi hu, aage bhi nahi hua bas. He threw three free throws, he threw three free throws. Yes, come on start. He threw three free throws. Mujhe nahi bolega. He threw three. Acha main karti hu, 1 2 3 go. He threw three free throws, 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 he threw three free throws. Wow! Ek dafa. Maze ka kiya waise, mujhe bada maza aaya, mujhe laga koi you know rap chal raha hai. Acha ek dafa. He threw. Tafri kar rahi hu maza. He threw. Bas ho gaya na, nahi ho raha usse.
Alright guys, ठीक है हम यहीं खत्म करते हैं. Thanks Twisted Out. Neelam, you were a great sport. Thank you. I had fun. Alright guys, अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट पे जिसपे हम नीलम को प्रैंक कॉल करवाएंगे अपने किसी दोस्त को. तो नीलम, अब आप किसी अपने इंडस्ट्री में से किसी भी दोस्त को फोन करें और उनको बोलें कि भाई मैंने जो है ये इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया है, बस मैं तंग आ गई हूँ और मैं ये पूरी शोबिज़ छोड़ के इंडस्ट्री और मेरी पैकिंग हो गई और मैं 8 बजे की फ़्लाइट से जा रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं ठीक कर रही हूँ? तो आप किसको फ़ोन करेंगे? किसको, जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ उसको करें? एहसन. हाँ ओके, को कर लेट्स कॉल एंड पुट हिम ऑन स्पीक. अल्लाह खैर करे. अच्छा तो मैं बोलूँगी कि बस चलो मैं अच्छा, जो भी समझ आएगा. बस इसमें आपकी बेसिकली इस सेगमेंट में हम ये देखते हैं कि आपकी एक्टिंग स्किल्स क्या है. हेलो एहसान. गुड गुड, क्या हाल है, क्या हो रहा है? कोई भी साथ नहीं है. मैंने सिर्फ ऐसे वो बात ये करनी थी कि मतलब एक मशवरा ही करना था. फ्री हो? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि वैसे मैं सोच रही थी कि यार मैं बड़ी ना तंग आ गई हूँ, अब मैं थक गई हूँ. तो मैं सोच रही थी कि थक गई हूँ. बताती हूँ ना, अभी तो मैं हंस रही हूँ लेकिन थोड़ी देर पहले मैं बहुत परेशान थी. मैं यही बोल रही हूँ कि बस यार मैं सोचूं कि मैं जो ना अब इंडस्ट्री छोड़ दूँ. वाकई में बस ऐसा यू नो कि मैं टेंशन में भी हंसती रहती हूँ. आपको नहीं पता टेंशन में तो मैं ज्यादा हंसती हूँ. मैं सच बोल रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. मैं सोचूं कि बस मैं चली जाऊं, बस अब छोड़ दूं. अम्मी क्या है तुम्हारी? नथिंग है? अम्मा नहीं है. अम्मी को बता दो मैं बोल रही कि नीलम जो है वो ये बातें कर रही है. नहीं, मैं तो सिर्फ अरे सुनो, मैं सिर्फ मशवरा ले रही हूं. मुझे मेरा वाकई दिल नहीं है, मैं चाह रही हूं कि बस यार बहुत काम कर लिया, अब क्या करना है छोड़ो. नहीं कर रहा यार, आई कांट बिलीव यू. अच्छा जब सोशल मीडिया पे स्टेटस जाएगा तो फिर यू विल से कि हां नीलम यू वर राइट. है नीलम, एक मिनट, अगर फ्लाइट अभी होती तो ये बात मुझे महीना पहले पता होती कि नीलम जा रही है. कम ऑन यार, नहीं करो नीलम. हां क्या हां, हंसती नहीं तो समझ नहीं क्या चक्कर है यार. नीलम क्या चक्कर है, बता भाई, बता दे यार. Hi Ehsan, you're on a show, Choti Kaar Bada Star with Neelam Muneer. This was a prank that we did on you. Ehsan. Ehsan, you're so right. मैंने पहले ही बोला था, मैंने कहा मैं अगर किसी मैं Ehsan को बोलूं, Ehsan ने तो इस बात पे यकीन करना ही नहीं है. और पता है मैं कब से आपको ट्रेस करूं कि आप ऑनलाइन हो, व्हाट्सएप पे नहीं हो, क्योंकि मुझे था कि यार मैं किसको कॉल करके बताऊं कि मैं इंडस्ट्री छोड़ के जा रही हूँ, यू नो. तो मैं बार बार व्हाट्सएप पे आके देख रही थी. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू Ehsan, थैंक यू. ऑलराइट, थैंक यू सो मच Ehsan, टेक केयर, बाय बाय. मैंने बोला था मेरा कोई भी दोस्त नहीं यकीन करेगा कि मैं जा रही हूँ इंडस्ट्री छोड़ के. ऑलराइट गाइस, बहुत मजा आया. इसी तरह हमने Ehsan Khan को भी काइंड ऑफ अपने शो पे ले लिया क्योंकि हमारी उनसे बात हो गई. राइट, थैंक यू सो मच नीला.